Assalamu alaikum, dear students. You know we are learning types of verbs. So day before yesterday we read a man verb. What is man verb or action verb? Man verbs or action verbs are used to express action, something that on that an animal and a person or a thing. So the sun shines, it is action verb, shines. The horse neighs, it is neighs, action verb. The monkey jumps, and here action verb is jumps. So today we are going to its second type, that is helping verb. Helping verb, इनको हम कहते हैं मुआविन जो फ़ाइल होते हैं, जो मैन वर्ब की मदद करते हैं. हेल्पिंग वर्ब को हम ये भी कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी मैन वर्ब को जो हेल्प करेगा इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स हेल्ड और सपोर्ट द मैन वर्ब. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स जो वो हेल्प करता है मैन वर्ब की या सपोर्ट करता है मैन वर्ब की. तो दूसरा इसका नाम जो हम कहते हैं इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सेम एक ही है. इनको कहते हैं मुआविन फ़ाइल जो मदद करते हैं मैन वर्ब की, जो इसमें सबसे अहम वर्ब होता है उस सेंटेंस में. सेंटेंस में दो किस्म के वर्ब्स होते हैं, एक तो एक्शन वर्ब होता है और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पर मैं दिखाऊँ, वी आर लर्निंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स. इस वक्त हम हेल्पिंग वर्ब्स के मुतालिक कुछ सीखते हैं. सो वी आर लर्निंग. लर्निंग यहाँ मैन वर्ब है, तो इसका आर जो है ये इसका हेल्पिंग वर्ब है. यानी जो लर्निंग है ये मैन वर्ब है, तो इस मैन वर्ब की मदद करता है और अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स. सो वी आर इन ग्रीन हाउस क्लब. तो इसमें जो एक वर्ब है वो है आर. वी आर इन द ग्रीन हाउस क्लब. जैसे स्कूल में जो क्लब्स होते हैं वाइट क्लब या ग्रीन हाउस या रेड हाउस, इसको तो उस क्लब के नाम के से वी आर इन द ग्रीन हाउस क्लब. तो इसमें आर यहाँ पर मैन वर्ब नहीं है, लेकिन जब अगर मैन वर्ब नहीं होगा तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा तो यहाँ पर ये काम करता है एक मैन वर्ब की तरह. यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें जो होता है, जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं होता है तो उस सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है. तो यहाँ पर ये एक मैन वर्ब की हैसियत से काम करता है. यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो. सो इसमें जो कंप्लीट है, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटिंग, तो इसमें ये मैन वर्ब है और शुड इसका ये हेल्पिंग वर्ब है. तो वी शुड वर्क बाय टुमारो. तो यहाँ यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, तो कंप्लीट इसका मैन वर्ब है, शुड यहाँ पर इसका ये हेल्पिंग वर्ब है. द फ्लावर्स, अगर मैं लिखूं यहाँ पर द फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर ब्राइट. तो यहां पर मैं देखूं कि फ्लावर ये नाउन है, द आर्टिकल है, ब्राइट एडजेक्टिव है, तो आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है. तो यहां पर ये भी काम करता है एक मैन वर्ब की तरह. तो अगर इसके बाद कोई और वर्ब होता तो ये मैन वर्ब
तो ये हेल्पिंग वर्ब होता द फ्लावर्स आर ब्राइट। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपसे इजाजत चाहता हूँ, तो कल हम इसके बारे में एक और हेल्पिंग वर्ब के बाद, अब हम इसके बाद लिंकिंग वर्ब्स के मुतालिक पढ़ेंगे। तो तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि कल हम इंशाल्लाह फिर इस टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में तीसरा जो इसका चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। तब तक इजाज़त चाहता हूँ।